तो ये अभी मैंने हीर भाई की बेल करवाई है, ये कैद काफी देर से कैद थे जेल में, तो मैंने अभी इनकी बेल हुई है। तो जेलर साहब ने बोला है कि आप अपने कैदी को घर लेके जा सकते हैं। तो अभी हम आपको आज लाइव दिखाएंगे कि हम एक कैदी को कैसे जेल से बाहर लेके जाते हैं। तो ये हम कैदी जी को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये कैदी बेचारा पैशन के मूड में है, बहुत खुश है, एक्साइटेड है। फोटो तो ये फोटो खींचने को बोल रहा है, ये अपने ससुराल वालों को बताएगा कि मैं जेल में भी रहा हूँ। और ये हमने कैदी की फोटो भी खींच ली है। तो आज आप देखेंगे कैमरे में दुनिया के इतिहास में पहली बार एक कैदी को जेल से लाइव निकाला जा रहा है और उसका पुख्ता सबूत रखा जा रहा है। और ये देखिए, और वेलकम आपका, कैसा महसूस कर रहे हैं आप जेल से बाहर आके? बहुत सुकून मिल रहा है। तो ऐसा क्या जुर्म कर दिया था आपने कि आपको जेल की हवा खानी पड़ी? मैं इन लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा था। अच्छा। लेकिन मुझे जेल इसलिए जाना पड़ा कि लाइक ही नहीं आ रहे थे। अच्छा, मतलब आप फोकट में वीडियो हो, 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 मतलब कि लोग जाना पड़ा मुझे, लोग आपकी वीडियो को लाइक कर देते हैं, आप शेयर करते हैं। अच्छा अच्छा, और मतलब आपके व्यूअर नहीं बढ़ रहे थे, फोकट में वीडियो बनाते रहते हैं ऐसे लोगों के लिए, तो फिर इस वजह से मुझे। अच्छा, तो आपने कभी कोशिश नहीं की निर्मल बाबा को ढूंढने की? कैसे ढूंढता, मैंने सोचा कि जो हमारे व्यूअर हैं, हमारे जो देखने वाले चाहने वाले हैं, तो इस ब्लॉग के बाद मुझे लगता है कि ये थोड़ा हमें प्यार दिखाएंगे। तो चलिए बाकी वॉक अराउंड कराते हैं हम जेल का इनको। तो वेलकम वाला बैक है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हम फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके, एक नया ब्लॉग लेके हाजिर हैं। तो अगर आपने पहले तो मेरा अगर लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है, मैं सोलन में दक्षाई विलेज में आया हुआ था, तो मैंने ग्रेवयार्ड और जो है चर्च जो है कवर करा था, और बाकी थोड़ा सा व्यू भी है आते जाते टाइम का। तो वो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं वो ब्लॉग भी। तो अभी हम जा रहे हैं दक्षाई जेल म्यूज़ियम में, तो यहाँ से हम रास्ता पूछते पूछते जा रहे हैं, बिकॉज हमें हम फर्स्ट टाइम ही इस साइड विज़िट कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे भी ये हमें रास्ता बताते जा रहे हैं, हम आगे आगे जा रहे हैं। बाकी ये जो एरिया है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया और इसमें भी बता रहा हूँ कि ये जो एरिया है सारा का सारा जो है आर्मी के अंडर आता है। तो ये अभी फाइनली अभी हम पहुंच गए, ये सामने म्यूज़ियम देख रहे हो आप। तो लीजिए अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं दक्षाई म्यूज़ियम में। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ये दक्षाई म्यूज़ियम है, इस साइड जेल है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, अभी 10 बजे ओपन होगा, तो अभी हम अंदर जाके आपको बताते हैं ऐसा नहीं। बाकी यही वो जेल है जहाँ नथुराम गोडसे को रखा था, मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। और अभी देखते हैं जैसे म्यूज़ियम खुल जाता है, जेल खुल जाती है, फिर हम आपको अंदर लेके चलेंगे अपने साथ। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं दक्षाई म्यूज़ियम, और ये इसकी जो टाइमिंग है, ये मंडे तो ये क्लोज़ रहता है, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न थी क्योंकि पहले ये संडे क्लोज़ रहता था, अब ये चेंज हो चुका है, संडे ये खुला रहता है सारे दिन। और इसकी जो खुलने की टाइमिंग है, सुबह 9:30 ये खुलता है और 12:30 बजे तक, और 12:30 से 4 बजे तक ये प्लेस ये क्लोज़ रहता है, उसके बाद ये 4 बजे से 6 बजे तक के लिए ओपन होता है। तो इसकी जो हिस्ट्री ये है कि ये वन ऑफ़ दी ओल्डेस्ट कंटोनमेंट टाउन है सोलन में, जो कि शिमला हाईवे पे पड़ता है, और ये कालका से 27 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ये सोलन से भी आप यहाँ पे आ सकते हो, और वो सोलन से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। और इसकी इसको जो फाउंड किया था ये प्लेस, ये 1847 में 5 विलेज जो फाउंड हुए थे उनमें से दक्षाई भी एक है। और यहाँ पे ये आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे जेल भी बनी हुई है, तो जहाँ पे मुगल टाइम में कैदियों को रखा जाता था, उनके जो फोरहेड पे माथे पे दागे शाही नाम से लिख दिया जाता था। तो ब्लॉग में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके, जितनी हमसे हो सके हम प्रोवाइड करवाएंगे जितना हमें पता है। तो बाकी हमने यहाँ से भी पता करा है, तो मैं पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि ये जो इसकी जो सारी देखभाल है, जो मतलब म्यूज़ियम की, हेरिटेज की, जेल की, ये जो है आर्मी के अंडर कर दिया हुआ है, तो आर्मी पर्सन्स ही इसको सारी जो इसकी देखभाल वगैरह करते हैं। तो अभी ये खुला नहीं है, खुलने वाला ही है, तो हम जल्दी आ गए थे, तो अभी भाई साहब आने वाले हैं, उन्होंने जो बाहर बैठे थे म्यूज़ियम के बाहर, उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में खोलने वाला है, तो आप अभी वेट कर लीजिए। तो अभी ये हमारे एक आर्मी वाले भाई आए हैं, इन्होंने गेट खोल दिया है, तो मैं अभी आपको यहाँ का विज़िट करवाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ का पुराने टाइम का जेल का टॉयलेट था,
और इधर पानी की टंकी है। बाकी आप देख सकते हो ये है वो पुरानी जेल। हमारे नेगी भाई जी ने पहले भी बताया आपको और फिर से बता रहे हैं हम आपको कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटाउनमेंट है हिमाचल की, जो दक्षाई विलेज है, तो ये सबसे पुरानी जेल है यहाँ की। तो यही वो पुरानी जेल है जहाँ कैदियों को रखा जाता था, ठीक है जी। तो अभी जैसे मैं आपको टॉयलेट दिखा रहा हूँ या पानी की टंकी दिखा रहा हूँ, तो दैट्स नॉट अ वे कि मैं ये नहीं मतलब एक आपको लगेगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पुराने टाइम की रखी हुई है उन्होंने, तो ये पुराने टाइम में कैसी जेल थी, कैसा था, तो मैं वो दिखाने की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। बाकी ये यहाँ पर लिखा है कि, बाकी आप पढ़ सकते हो कि 19वीं सदी में संरचना निर्माण में ज़्यादातर कले मोटर ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता था, जिससे दक्षाई जेल भी शामिल है। कले मोटर का इस्तेमाल पत्थर को पीसने के लिए होता था, जो मिट्टी और अन्य दूसरे सामग्रियों के साथ महीन मिश्रण बनाने के काम आता था, ठीक है जी। तो ये है वो, ये आप देख सकते हो, ये है वो पत्थर, ठीक है जी। बाकी मैं इस साइड चल के आपको टंकी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे भी लिखा है कि दक्षाई जेल के परिसर में अग्नि सुरक्षा प्रदान करने के लिए अग्निशमन उपकरणों की आवश्यकता का एहसास हुआ, जिसके लिए एक फायर ड्राइडेड ग्लेनफील्ड कंपनी स्कॉटलैंड से ख़रीदा गया, जिसे 1865 में दक्षाई जेल परिसर में लगाया गया था, ठीक है जी। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे थॉमस केंडे सर, ठीक है जी। ये जो है पुरानी टंकी है पानी की। बाकी मैं एक बार आपको इधर का भी विजिट करवा देता हूँ। ये सबसे मतलब बहुत एक वो हम बोल सकते हैं कि पुरानी जेल जो बोलते हैं ना, ये देखिए मतलब दरवाजे पे भी टूट के खंडर हो गए हैं, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे इस चीज़ को इन्होंने मतलब डेवलप करा, खोला है, धीरे धीरे लोग यहाँ पे आने अब स्टार्ट हो रहे हैं। पहले यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते थे, ठीक है जी। मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को राउंड करवा दूँ। ये देखिए, ये पुराने टाइम का ही सब कुछ खंडर पड़ा हुआ है, खंडर बन गया सारा कुछ। ये देखिए, ये सारा कुछ पुराने टाइम का है। ये देख लीजिए कैसी जेल है ये, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ जेल के। तो यहाँ पे ये दक्षाई जेल की जो हिस्ट्री इतिहास लिखा हुआ है, तो इसका इतिहास ये है कि ये 1849 में 1849 ईस्वी में बना था, और इसकी जो कुल लागत थी 72,875 रुपये आई थी तब के टाइम में। और यहाँ पे टोटल 54 जो कैद कक्ष हैं, जिसको सेल बोला जाता है, वो है। और इसकी जो हाइट है वो 20 फीट की इसकी ऊंचाई है, और 20 फीट की ऊंचाई है, और 8x12 का इसमें जो कैद खाना होता था। और इसकी रोशनी आने के लिए यहाँ पे एक मजबूत सी खिड़की लगाई हुई है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो फ्लोर है वो वुडन का है, लकड़ी का है, ताकि जो भी कैदी कोई गतिविधि करे उसकी जो मतलब गतिविधि की जो भनक है वो उनको लग जाए। हाँ, साउंड है कि वो साउंड से हाँ, जैसे कि अभी हमारे नेगी भाई जी ने बताया आप लोगों कि यहाँ पे 54 टोटल जो है 54 कैद कक्ष हैं, ठीक है जी। इन्होंने साफ यहाँ पे लिखा है, उसमें से जो 11 कक्ष थे वो जो यहाँ पे कर्मचारी रहते थे उनके रहने के लिए, उनके आवास के लिए उन्होंने बना दिए हैं, ठीक है जी। वो कन्वर्ट कर दिए थे उस वक्त। उसके बाद जो 43 कैद कक्ष बचते थे, उसमें से जो 27 कैद कक्ष थे वो साधारण थे, और जो 11 कैद कक्ष थे वो सिंगल पर्सन, जो सिंगल कैदी होता था मतलब जिसको सिंगल रखना था, उनको रहने के लिए इन्होंने जो कन्वर्ट कर दिए थे। बाकी नेगी जी आगे दिखाइए इनको कि यहाँ पे ये जो है 19th century का ये ब्रिटिश आर्मी बेंच है, जो सबसे पुराना बेंच है, ये आप देख सकते हो। इन्होंने स्पेशल लिखा है इस पर कि यहाँ पे कोई भी बैठे ना, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आपको फाइनली अंदर लेके चलते हैं। तो ये है वो जेल की मेन एंट्रेंस है,
ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स जो पुराने वक्त की तस्वीरें थी वो लगा के रखी हुई हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक चीज़ जो है इन्होंने मेंशन करी हुई है एज ए म्यूजियम, ठीक है जी। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ की, ये देखिए ये वो दरवाज़ा है, ये सोगान की लकड़ी का बना हुआ है और इसमें ये जो लोह की धातु का यूज़ किया जाता था, जो कि एक जो जैसे किला होता है ना, तो किले में जो किले को मजबूती बनाती है उसके दरवाजे जो होते हैं कि उसमें अंदर कोई घुस ना पाए, तो ये उसका काम करता था, लोह की धातु जो है दरवाजे को इतनी मजबूत पकड़ बना देता था। बाकी ये एक बार इनको फ्लोर दिखाइए, ये जो फ्लोर है ये उसी सोगान की लकड़ से बना हुआ है, ठीक है जी। ये जो है एक जो है बूमिंग नॉइस हम एक इसको बोल सकते हैं, ये बूमिंग नॉइस जैसे भी हम चल रहे हैं तो ये एक बूमिंग नॉइस जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इसलिए यूज किया गया था ताकि कि जब भी कोई जो अंदर जो कैदी थे वो कोई हरकत करते हैं जहाँ उनके द्वारा कुछ भी मतलब ऊंच नीच की जाती है तो उसकी जो है भनक जो है बाहर जो ऑफिसर्स थे उनको लग सके, ठीक है जी। तो अभी चलिए हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे नथुराम गोडसे जी का कमरा, ठीक है, जिसमें नथुराम गोडसे जी को एक रात के लिए यहाँ पे कैदी बना के रखा था, ठीक है जी। चलिए अंदर आइए। तो ये पहले आप एक नॉर्मल व्यू देख लीजिए यहाँ का। तो ये आज हम रविंद्र भाई के चक्कर में जेल की हवा खा रहे हैं तो ये हम तो हम ये बोल सकते हैं कि आज हम गए जेल है ना, हमें जाना पड़ा जेल में, ठीक है जी। तो अभी हम दिखाते हैं आपको, तो चलिए अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। नेगी जी दिखाइए इनको। तो ये वो सेल है जहाँ पे नथुराम गोडसे जी को रखा गया था, क्योंकि जब उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी तो उसके बाद नथुराम गोडसे को जब शिमला ले जाया जा रहा था तो एक रात के लिए नथुराम गोडसे जी को इस सेल में रखा हुआ था। तो ये इसकी हिस्ट्री भी इस पे मेंशन है। और चलिए हम एक बार अंदर से आपको विजिट कराते हैं। तो ये वही सेल है जहाँ पे नथुराम गोडसे जी को रखा गया था। तो जैसे कि ये 12x8 का ये छोटा सा एक सेल है, कैद खाना है, जिसका जो फ्लोर है वो वुडन का है। जैसे हीर भाई ने पहले भी आपको बता दिया कि वुडन का फ्लोर इसलिए इस्तेमाल किया था कि जो कैदी है उसकी गतिविधियों पे नजर रखी जा सके। और ये जो सामने इसकी एंट्रेंस है, और ये 20 फुट का ये कैद खाना होता था। और ये जो रोशनदान ये खिड़की है ये कैदी को रोशनी देने के लिए, उस तक धूप आने के लिए रखी गई थी। तो ये लालटेन आप जैसे देख पा रहे हो, वैसे आप सभी ने इनको पुरानी हिंदी फिल्मों में तो जरूर देखा होगा रात में। छोड़ो नेगी जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हमारे घर में भी था पहले, तो अभी मुझे जो ढंग से याद है कि मेरे मामा के घर में पड़ा हुआ है ये अभी भी। और ये तो मिट्टी के तेल से जलता था। कभी टूर लगाता हूँ मैं जरूर ये उठा के लाऊंगा, क्योंकि ऐसी चीजें घर में होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी चलिए हम बाकी कमरे भी आपको दिखाते हैं। तो ये भी सेम वैसा ही कमरा है। तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए यहाँ पे कि कैदी कैसे रहता होगा यहाँ पे, कि उसको एक तो दरवाजा बंद है, उसके लिए दरवाजा बंद करके रहना है उसने। और तो सीरियसली मतलब नेगी जी एक बात तो सच है कि कैदी को कैद फील होती है यहाँ पे। और यहाँ ये जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो दरवाजे लगे हुए हैं, ये जो है लोहे का दरवाजा है और ये एक लकड़ी का दरवाजा भी अंदर से, जिसको के बंद करके रखा जा सकता है। और यहाँ पे आप एक छोटा सा एक ये रोशनदान देख रहे हो, एक छोटी सी खिड़की टाइप देख रहे हो जिसको के रखा हुआ है बाहर बात करने के लिए। हाँ, जैसे कि और एक चीज मुझे और मतलब मैं आप लोगों को सीरियसली बता दूं कि यहाँ पे आके हमको ही ऐसा फील हो रहा है थोड़ी देर में कि ऐसे जैसे कैद सी होती है ना, तो कैदी कैसे रहते होंगे, ठीक है। तो चलिए बाकी एक बार आपको अराउंड करवाते हैं। तो ये सारी जो लकड़ी है ना, ये जो सोगान की लकड़ी लगी हुई है इसमें दीमक नहीं लगता है, ठीक है जी। तो ये देखिए कैसे उस टाइम की लगी हुई है, आज तक इस लकड़ी को कुछ नहीं हुआ है, तो आप सोच लो कि कितनी मतलब मजबूत और अच्छी लकड़ी होगी ये, ठीक है जी। बाकी ये कुछ ऐसा भी हुआ जेल का, ठीक है जी, दक्षाई जेल। तो इसमें कुछ कमरे जो हैं, मैं आपको सारे कमरे मतलब कुछ में एक उसमें लाइट थी, यहाँ पे लाइट नहीं है। तो इसमें कुछ कमरे जो हैं वो सामान्य कैदियों के लिए थे, और जो कुछ कमरे थे वो सिंगल पर्सन के रहने के लिए बने हुए थे, जहाँ पे मतलब एक सिंगल अकेले आदमी को रखा जाता था। और तो ये हमारे नेगी जी हैं, हम इनको 13 नंबर कमरे में यहीं कैद करेंगे। और एक इसकी इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि ये जो कैद खाने थे
इनमें जैसे आप देख पा रहे हो ये छोटा सा बनेगी, ये कुछ नहीं दिख रहा है, तो यही तो दिखाना है। हाँ। ये छोटा सा एक रोशनदान सा है, तो उस समय बिजली वगैरह तो होती नहीं थी। और ये जो कैदियों के लिए एक चीज मैं नोट कर रहा हूँ कि बहुत कम रोशनी दी जाती थी उनको, कि वो जस्ट एक थोड़ा बहुत उन पर नजर रखी जा सके और उनको एहसास हो एक कैद का, उनको एक एहसास हो कि उन्होंने जुर्म किया इस वजह से वो जेल में है। तो फाइनली हम लोगों को भी आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाते बनाते जेल लग जाना पड़ा, जेल की हवा खानी पड़ रही है, जेल की हवा खानी पड़ रही है। तो जगह जगह पे लिखा है स्कैन मी, तो मुझे लगता है कि उन चीजों के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है कि वो किस लिए लिखा है स्कैन मी। तो जहाँ तो मुझे लगता है कि रूम वाइज उसकी कुछ हिस्ट्री होगी, तो आप लोग आओ तो यहाँ पे स्कैन करके जरूर देखना कि उसका क्या हिस्ट्री है, क्या पर्पस है। बाकी आप हमारे नेगी जी को देख सकते हो, कुछ ऐसे ही लगते थे पुराने वक्त के कैदी। ठीक है जी, आप देख सकते हो इनकी शक्ल कैसे पूरी कैदियों जैसी लग रही है, तो ऐसे ही थे पुराने वक्त के कैदी। ठीक है जी, तो आप जिसके किसी ने जेल नहीं देखी है वो आज जेल देख पा रहे हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये बताइए भाई साहब इनको क्या है ये? मैंने यही थोड़ी देर पहले यही ड्रेस पहनी हुई थी, अभी खोल के आता हूँ मैं। इसके जो पीछे का दरवाजा है जो है वो बंद है। ठीक है जी, आप जो पीछे वाला, जैसे कि मैं हमने पहले भी आपको दिखाया कि जेल में ये देखिए ये दरवाजा, तो वो जो पीछे वाला दरवाजा है उसको भी बंद किया जाता था और ये भी वाला बंद किया जाता था, तो कैदी को खड़े होने के लिए जगह है, खड़े हिलडुल भी नहीं सकता ज्यादा, तो वो खड़े रह के ही जो है मतलब वो यहाँ पे खड़े रह के ही अपनी सजा काटता था। ठीक है जी, क्योंकि कुछ कैदी जो है वो मेरे जैसे होते हैं कि वो थोड़ा भटक जाते हैं अपने उससे। ठीक है जी, तो उस वजह से इनको अनुशासन में रखने के लिए, एटिकेट सिखाने के लिए इनको जो है जहां रखा जाता था। एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा, नेगी जी जरा पास आइए, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, जैसे कि आप लोग देखिए ये क्या है, ये पढ़िए, ये मेरे भाई कोई हैं, इन्होंने कैसे ये मतलब नंबर लिख दिया है। तो भाई ऐसी चीजें ना करिए। ठीक है जी, हम जैसे लोग ही आएंगे इन चीजों को देखने के लिए, तो ऐसी चीज प्लीज ना किया करिए। ठीक है जी, मैं सुझाव ही दे सकता हूँ, ठीक है, ऑर्डर तो कर नहीं सकता मैं। तो ये भी सेकंड सेल ऐसा भी बनाया है जो कि आप देख पा रहे हो खाली है, तो इसमें बहुत कम जगह है। और ये ऐसे कुछ ऐसे ही ये सारे कमरे हैं। ठीक है जी, तो ये 1 से लेके 27 तक ये कमरे हैं जो सामान्य थे। ठीक है जी, तो ये उस समय की पेंटिंग बनी हुई है, तो ये एक अलग सा कुछ है। चलिए यहाँ पे भी चलते हैं, और ये उस समय देखिए जैसे कितना ऊंचा है ये। ये उस टाइम के हमारे जो द किंग रॉयल स्टेफल के रेजिमेंट के बंदे थे उनकी फोटो है, ये आप देख सकते हो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो ये सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए जी, कैप्टन लेट जनरल लोइस बियाट, अब मुझे तो नाम लेने भी दिक्कत आ रही है इनकी। तो ये उस टाइम की इनकी ड्रेस है जी। तो चलिए अभी हम आपको लेके चल सकते हैं अंदर, यहाँ तो भाई मुझे भी डर लग रहा है, यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है। तो ये वो कक्ष हैं जो मतलब सामान्य नहीं थे, जो हमने बाहर आपको पहले दिखाए वो सामान्य कक्ष थे, जिनमें जो है नॉर्मल जो सामान्य कैदी होते थे उनको रखा जाता था। जो ये बाकी के कक्ष हैं यहाँ पे अंदर विजिबल नहीं है, मैं बाकी कोशिश करता हूँ, एक सेकंड होल्ड करना डाली। हाँ, तो अभी ये देखिए यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है, तो जितनी मेरे कैमरे की लाइट है मैं उसी अकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे हमने जो आपको पहले कक्ष दिखाए हैं वो सामान्य थे, और ये जो कक्ष हैं सारे ये वो कक्ष हैं जहाँ पे जो मतलब ज्यादा जो सीरियस वाले कैदी होते थे। जो और मतलब इसकी एक हीर भाई इसकी एक खासियत ये है कि ये जो कक्ष हैं इनमें रोशनी और हवा का कोई साधन नहीं था, तो कैदी को अंधेरे में रखा जाता था कि उसको एहसास हो और कड़ी सजा दी जाए, तो उसको इसलिए अंधेरे में इस कक्ष में रखा जाता था। ये देखिए, द टॉर्चर एंड पनिशमेंट
सेल है, ठीक है जी। ये इसके बारे में भी लिखा भी हुआ है यहाँ पे, आज़ादी से पूर्व आपस में जुड़े इन तीन कमरों का उपयोग ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों द्वारा सजायकता कैदियों को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता था। इस कमरों का दूसरा दरवाजा जेल के पिछले हिस्से में खुलता है, जिसका इस्तेमाल कैदियों को कड़ा दंड देने के लिए बाहर बाहर निकालने के लिए किया जाता था, ठीक है जी। तो ये आपको जैसे कि ये देखिए, जैसे ये बाहर का दरवाजा है पीछे को दिख रहा है जो आपको, तो यहीं पे उनको जो है ना, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि कड़ी सजा जो है मिलती थी। तो यहाँ पे रोशनी का कोई वो भी नहीं है, आपको दिखाया था कि जो है सामान्य कक्ष थे और कुछ जो है वो ऐसे कक्ष हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे का जो खाने थे जो कैदियों को रखने के लिए, जहाँ पे मतलब असामान्य जो कैदी थे जिनको मतलब जो अनुशासन में नहीं रहे भी लिखा है, उनको रखा जाता था। बाकी आप देख सकते हो अंदर कुछ खास है नहीं है, ना रोशनी देते थे इनको ना कुछ, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे भी वही लकड़ी यूज करी हुई है, ठीक है जी, जिससे जो है हमिंग की साउंड, जो नीचे से ये थोड़ा खाली रखा हुआ है डेढ़ फुट फुट डेढ़ फुट, जिससे जो है ये साउंड प्रोड्यूस करे, ठीक है जी। बाकी एक बार हम कोशिश करते हैं आप लोगों को, ये देखिए ये पुराने टाइम का ही जो पड़ा हुआ, पुराने टाइम पे पड़ा हुआ, ठीक है जी। चलिए तो लीजिए, ये थी दक्षाई जेल। म्यूजियम बंद था, उन्होंने नहीं खोला तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो यहाँ नथुराम गोडसे जी को रखा गया था, वो शैल भी दिखाया हमने आप लोगों को। तो ये एक फुल डिटेल्ड रिव्यू है, आई होप आप लोगों को जो हमारी वीडियो या ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। थोड़ी बहुत आज वॉइस डिस्टर्बेंस थी तो वो आप थोड़ी टॉलरेट कर लेना, बाकी आई होप कि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेके आ सकें। तो ठीक है जी, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में हीर और नेगी के साथ।